Hello future officers, not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To The Point. Zid Se Jeet Tak. Hi everyone. बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है ये अगेन जैसे आपने नाम पढ़ा होगा इसका कार्बन फार्मिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हाउएवर ये टॉपिक सुनने में नया है ना, कार्बन फार्मिंग एक नया टर्म आपको लग रहा है, बट जब आप इसको समझेंगे कि ये क्या चीज है, आपने ये ऑलरेडी आपको रियलाइज होगा कि हमने पहले भी कवर कर रखा है, राइट। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द टर्म कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, राइट, जिसमें हम कार्बन को जो है ट्रैप करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग जगहों पे, और हम चाहते हैं कि हम इन्वायरमेंट से जो कार्बन है उसको स्वीप आउट करें, थोड़ा सा इन्वायरमेंट स्पेसिफिकली एटमॉस्फेयर से जो कार्बन है उसको स्वीप आउट करें और उसको हम अलग अलग फॉर्म्स के अंदर स्टोर कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रीज की फॉर्म में हम स्टोर कर लेते हैं। आई हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर ऑल्सो कि जब आपका एक ट्री है वो जो मास है उसका, राइट, द वॉल्यूम ऑफ द ट्री, वो जो उसने मटीरियल जो इकट्ठा किया है, इट इज नॉट फ्रॉम द सॉइल बट इट इज फ्रॉम दी एटमोस्फेयर, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके एटमोस्फेयर में अवेलेबल है और जो वुड है वो एक कार्बन बेस्ड चीज है, ट्री जो है वो कार्बन बेस्ड लाइफ है। दैट मीन्स व्हेन द प्लांट रेस्पिरेट्स, राइट, तब उसके बाद में जो कार्बन है वो ट्रैप हो जाती है वुड की फॉर्म में, मटीरियल में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दैट्स हाउ द एनवायरमेंट द एटमोस्फेयर गेट्स स्वीप्ड ऑफ द कार्बन। इसी को हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। कार्बन फार्मिंग क्या चीज है बच्चे? इट इज टेक्निक जब हम फार्मिंग के अंदर यूज करते हैं, मतलब इट इज नॉट अ सिंगल टेक्निक, इट इज द कॉन्सेप्ट जब हम फार्मिंग, जो हमारा जितने भी फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उन सब चीजों के अंदर जब हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को या तो प्रमोट करें, है ना, या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नए सिरे से शुरू करें, या फिर हम अवॉइड करें कि ट्रैप्ड कार्बन रिलीज ना हो फार्मिंग के अंदर, वो सारी चीजें आपकी कार्बन फार्मिंग के अंदर जो है इंक्लूड हो जाती है, राइट। दैट इज द ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। अब थोड़ा सा इसका डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं हम कि ये क्या चीज है। कार्बन फार्मिंग इंटीग्रेट्स रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, किस लिए? टू एनहेंस कार्बन स्टोरेज इन एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स व्हाइल मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, राइट। ग्रीन हाउस गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, तो आप जब कार्बन को यहां पे स्टोर कर रहे हो इसके अंदर, टेक्निकली आप वहां से आपके एटमॉस्फेयर से आप स्वीप आउट कर रहे हो, और जब आप इसको एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स के अंदर इस चीज को करना शुरू कर देते हो तो दैट मींस कि ये आपका एक कार्बन फार्मिंग का मेथड बन जाता है। इट इज कॉल्ड कार्बन फार्मिंग, राइट। इट एनकंपासेस टेक्निक्स लाइक रोटेशनल ग्रेजिंग। रोटेशनल ग्रेजिंग से क्या होगा कि आपकी ओवर ग्रेजिंग नहीं होगी, दैट मींस कि जो आपकी सॉइल के अंदर भी ट्रैप्ड आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी रिलीज नहीं होती। इसीलिए हम कार्बन फार्मिंग के अंदर टिलेज, है ना, हल चलाना, टिलेज अवॉइड करते हैं ताकि हम एरिएट उसको ना कर दें और जो ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज ना हो, राइट। तो उस टेक्निक को भी हम कार्बन फार्मिंग बोल देंगे। रोटेशनल ग्रेजिंग, एग्रोफोरेस्ट्री, राइट, जहां पे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को इंक्लूड किया जाता है, और फॉरेस्ट्री में आपको पता ही इट इज द बेस्ट मेथड टू सिक्वेस्ट्रेट द कार्बन, टू स्टोर द कार्बन, राइट। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टू इंप्रूव सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी तो आपकी सॉइल के अंदर भी सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी, एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशंस। आप ही के फार्म के अंदर आप टेक्निक्स लगाते हो ग्रीन हाउस एमिशंस कम से कम हो जाए, राइट। एग्रीकल्चर, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये पर्टिकुलर चीज, इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट एग्रीकल्चर कवर्स मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ टेरेस्ट्रियल सर्फेस एंड कॉन्ट्रीब्यूट रफली 1/3 ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, राइट। फर्दर इसकी हम आगे डिटेल की बात करें तो ये है कि एग्रीकल्चर इमिशंस इन इंडिया आर प्राइमरीली फ्रॉम लाइफ स्टॉक सेक्टर 54.6% एंड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स 19%, राइट। तो ये स्टैट है, और क्योंकि ये चीज इसके अंदर है दैट मींस हमारा जो कार्बन फार्मिंग का मेथड है, ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसकी इंप्लीकेशन ऐसी है। यू कैन पॉज द वीडियो और एक बार आप इस पूरे फ्लो चार्ट को एक बार आप देखिए, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, राइट, कि क्या चीज चल रही है, किस तरीके से ये चीज होती है। अगर हम जैसे राइस फार्मिंग की बात करते हैं, वहां से जो है एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो आपकी मीथेन जो है वो रिलीज होती है। इसके अलावा
ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है दैट नेट प्राइमरी प्रोडक्शन CO2 अपटेक आपकी इसलिए पॉसिबल हो पाती है बिकॉज द सनलाइट एनेबल्स द प्लांट टू डू द फोटोसिंथेसिस राइट। तो अल्टीमेट एनर्जी अभी भी आपका सनलाइट से ही आ रहा है इस पूरी इसके साइकिल में भी। और प्री के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन साइकिल राइट। एक बार कार्बन साइकिल को भी जो है आप जरूर कवर कीजिएगा राइट, ये आपको हेल्प करेगा आपके स्कोर को और बेटर करने में। आगे चलते हैं बच्चे, बेनिफिट्स क्या है डिस्पाइट इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स, इफेक्टिवनेस वेरीज बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक ज्योग्राफिकल लोकेशन, सॉइल टाइप, वाटर अवेलेबिलिटी एंड फार्म साइज। फायदा इसका वही है बच्चे कि आपके अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन को आप सिक्वेस्ट्रेट करते हो, आप कम करते हो राइट, तो आप मिटिगेट हो जाता है आपका क्लाइमेट चेंज। एंड करेंटली वर्ल्ड में जितनी भी मेजर रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें किसी ना किसी बात के ऊपर चर्चा हो रही है कि वर्ल्ड की मेजर प्रॉब्लम्स का मेजर मेजर कारण क्या है बच्चे, तो वो दो ही मेजर कारण निकल के आ रहे हैं थ्रू आउट वेरीड रिपोर्ट। और वो दो कारण है, नंबर वन इज क्लाइमेट चेंज, नंबर टू इज योर कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर गोइंग ऑन। आपकी ILO की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, UNEP की रिपोर्ट्स, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उनमें इन्हीं दो कारणों को जो है बार बार हाईलाइट किया हुआ है बच्चे। मेथड्स क्या है कार्बन फार्मिंग के, फॉरेस्ट मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स अवॉइडिंग डिफॉरेस्ट्रेशन, रिफॉरेस्ट्रेशन, इंप्रूव्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड परमानेंट लैंड कंजर्वेशन। ग्रासलैंड कंजर्वेशन एक मेथड है बच्चे। मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग क्या चीज होती है, जहां पे आप लाइफ स्टॉक और क्रॉप्स को टुगेदर जो है वो रेज करते हो, वो भी एक कार्बन फार्मिंग का मेथड है। ये बच्चे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें है ना। यूजिंग क्रॉप कवर्स, रिडक्शन ऑफ सॉइल टिलेज, जो आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं, टिलेज जब आपकी रिड्यूस होती है, कम होती है, तो उसके साथ साथ में आपका जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है उसमें भी हेल्प मिलती है, और जो ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड आपके सॉइल के अंदर वो आपके उसमें रिलीज नहीं होती है। लास्ट पॉइंट, वेटलैंड रेस्टोरेशन। वेटलैंड सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल कार्बन पूल और सिंक, एज द वेटलैंड्स कंजर्व अबाउट 14.5% ऑफ द सॉइल कार्बन फाउंड इन द वर्ल्ड राइट। सो दीज आर योर पॉइंट्स। वैसे ये शायद प्री में ना आया, ये मेंस में वेटलैंड के इंपॉर्टेंस के ऊपर कुछ है सवाल बनेगा, तो आप इस पर्टिकुलर चीज को जो है आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ। Thanks for watching the video. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of current affairs. Number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.